हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीपीटी इन फ्रेंड्स पर। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑक्सिलरी इक्विपमेंट फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, यानी कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में ऑक्सिलरी इक्विपमेंट क्या होते हैं, यानी कि सहायक उपकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए जय श्री कृष्ण। दोस्तों ऑक्सिलरी इक्विपमेंट क्या होता है, यानी कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है तो उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे सहायक उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, या कोई भी मतलब प्रोसेसिंग मशीन जिसमें जिसको ऑपरेट करने के लिए एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ हमें ऑक्सिलरी इक्विपमेंट यानी कि सहायक उपकरण की जरूरत पड़ती है। इन ऑर्डर टू मेक क्वालिटी पार्ट्स ऑक्सिलरी इक्विपमेंट मस्ट कंसिस्टेंटली सप्लाई एंड मोनिटर सर्विस रिक्वायर्ड बाई मोल्डिंग साइकिल, यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, क्वालिटी देने के लिए उस जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हैं उनको हमें कंसिस्टेंटली सप्लाई देना है, उनका लगातार हमें यूज करना है, एंड मॉनिटर सर्विस रिक्वायर्ड, और उनका जो सर्विस है उसको हमें मॉनिटर करना है, ठीक है, रेगुलरली उसको यूज करना है बाई मोल्डिंग साइकिल, मोल्डिंग साइकिल के द्वारा। तो यहाँ पे फर्स्ट वन है ड्रायर है, MTC है, ग्रेनुलेटर है, कलर ब्लेंडर्स है। अपार्ट फ्रॉम दीज मेन इक्विपमेंट हॉपर मैग्नेट लिफ्टिंग क्रेन ट्रॉली कूलिंग टॉवर एसेट्रा इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट, यानी कि ऑक्सिलरी इक्विपमेंट की हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हैं, जैसे कि आपका ड्रायर हो गया, तो ड्रायर का जो काम है जैसे कि जो भी प्लास्टिक्स मेटल जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनको मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम ड्रायर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इमेज दिखा रहा है, जैसे कि हॉपर ड्रायर हो गया, कलर ब्लेंडर्स है, MTC है और ग्रेनुलेटर है, तो यहाँ पे ये सभी का इमेज दिखाया गया है। एक्चुअली हॉपर ड्रायर का काम क्या रहता है, जैसे जो भी हमारा प्रोसेसिंग मशीन है उसमें हॉपर में हम मेटेरियल को स्टोर करते हैं, तो उसी में एक ड्रायर लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं हॉपर ड्रायर, यानी कि जैसे जो मटेरियल हैं अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ मटेरियल, तो उसमें हम क्या करते हैं उस मटेरियल को हमें ड्राई करने के लिए यहाँ पर ड्रायर से हम उसको ड्राई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग प्री ड्राइंग टेम्परेचर रहता है, उस हिसाब से हम यहाँ पर टेम्परेचर सेट करके उसको प्री ड्राई कर सकते हैं मटेरियल को। इसके बाद में कलर ब्लेंडर है, तो कलर ब्लेंडर में जैसे कि बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिसमें हमें क्या करना है, कलर मिक्स करना है, यानी कि मास्टर वाइज का मिक्सिंग करना है, तो उसके लिए हमें मिक्सिंग करने के लिए यहाँ पे ब्लेंडर का यूज़ करते हैं, जो रॉ मटेरियल के साथ में मास्टर वाइज को प्रॉपरली मिक्स करने के लिए कलर ब्लेंडर का यूज़ करते हैं। MTC हो गया, MTC का फुल फॉर्म है दोस्तों मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर, ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होता है, जैसे कि जो हमारे मोल्ड रहते हैं, ठीक है, जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट को शेप दे रहे हैं, तो मोल्ड जो रहते हैं उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम MTC का यूज करते हैं, ठीक है, मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर, यानी कि जो भी हम मोल्ड रहेगा हमारा उसमें हम MTC लगाएंगे, जितना हम टेम्परेचर सेट करेंगे उतना ये उसको टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट करके रखेगा, जैसे हमने 60 डिग्री सेट कर दिया, तो MTC क्या करता है मोल्ड के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। इसके बाद नेक्स्ट इमेज आप देख रहे हैं ग्रेनुलेटर, तो ग्रेनुलेटर का काम क्या है, जैसे कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो भी स्क्रैप वगैरह निकलता है तो हमें उसको क्या करना है, छोटे छोटे पार्टिकल में उसको कटिंग करना है, ग्रेनुलर में बदलना है, स्क्रैप करना है, तो उसके लिए हम ग्रेनुलेटर का यूज़ करते हैं, तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी स्क्रैप किया हुआ मटेरियल है उसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो हम दोबारा उसको यूज़ करके दोबारा से प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, तो ग्रेनुलेटर का यह फंक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी इमेज दिए गए हैं आशा करते हैं कि आपको सभी इमेज का फंक्शन समझ में आ गया हो। अभी चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम हॉपर मैग्नेट, जो आप देख रहे हैं इमेज में हॉपर मैग्नेट क्या होता है, ये हॉपर के अंदर लगाया जाता है, क्योंकि जैसे कि जो भी रॉ मटेरियल हमारा रॉ मटेरियल के साथ में अगर कोई मेटल का पार्ट अगर सपोज इट आ गया है गलती से, तो उसमें क्या होगा, ये मैग्नेट का काम करता है, ठीक है, एक तरीके से चुंबक का काम करता है, जिससे क्या होता है जो भी हमारा अगर कुछ मेटल वगैरह है उसमें मेटल के साथ में जाता है तो हमारे ये बैरल में नहीं जाने देगा, जिससे क्या होगा अगर बैरल में मेटल चला जाएगा कुछ अलग जो भी पार्ट्स है वो अगर जाएगा तो उससे क्या होगा स्क्रू हमारा डैमेज हो जाएगा, ठीक है, तो स्क्रू भी डैमेज हो जाएगा, मोल्ड भी डैमेज हो सकता है, तो इसके लिए हमें क्या है कि हम यहाँ पे हॉपर मैग्नेट का यूज़ करते हैं। इसके बाद में आप देख रहे हैं नेक्स्ट इमेज में क्रेन दिखाया गया है, तो जो मोल्ड रहते हैं वो काफ़ी हैवी रहते हैं वेट में, काफ़ी साइज में बड़े रहते हैं, तो इसको हमें लोड और अनलोड करने के लिए क्रेन का यूज करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट इमेज है ट्रॉली, तो हमें यहाँ पे कैसे मतलब जो भी हमारे मोल्ड वगैरह सेटअप करना है या हमारे जो भी इक्विपमेंट रहते हैं
जैसे स्पैनर्स वगैरह हो गए, तो उनको हमें क्या है कि प्लांट में इधर उधर ले जाने के लिए हम ट्रॉली यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें आसानी रहती है। इसके लिए रिजेक्शन ट्रॉली वगैरह भी यूज होता है, और भी बहुत सारे टाइप्स के फिनिश गुड को रखने के लिए, बने हुए प्रोडक्ट को रखने के लिए भी ट्रॉली का यूज किया जाता है। इसके बाद में आप देख रहे हैं कूलिंग टावर, तो कूलिंग टावर का भी एक अहम रोल है। जैसे कि जो भी प्लास्टिक्स इंडस्ट्री है, तो हमें यहाँ पे क्या है, चिल्ड वाटर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो जल्दी ठंडा हो। होता क्या है, जो कि प्लास्टिक्स मटेरियल है, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल को हम 300-250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, उसके बाद में प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको भी ठंडा भी करना पड़ेगा। अगर ठंडा नहीं करेंगे तो क्या है, हमें उसको बहुत टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमें चिल्ड वाटर चाहिए, यानी ठंडा पानी चाहिए। तो इसके लिए इंडस्ट्री में बड़े बड़े कूलिंग टावर लगे रहते हैं, जिससे चिल्ड पानी मशीनों में सप्लाई होता है, ठीक है। तो उससे क्या, हमें जो प्रोडक्ट जल्दी ठंडा होता है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल रहते हैं, मशीनों में जगह रहते हैं जहाँ पे हमें ठंडा पानी आवश्यक रहता है। दोस्तों, ये सभी जो भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और आशा करते हैं दोस्तों आपको सभी के बारे में समझ में आया होगा। जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं ये सारी चीज़ें मेरे लिए नई होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये सब चीज़ों के बारे में मालूम पड़ गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों में। धन्यवाद दोस्तों।